हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ कॉमर्स। माई सेल्फ गौरव अरोड़ा। माय क्वालिफिकेशन इज एमएससी मैथ्स बीएड। प्रीवियस क्लास में बेटा हमने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन अपना कंप्लीट कर लिया है। जिन्होंने भी हमारी वीडियो नहीं देखी है, प्लीज हमारी वीडियो को जरूर देखें, क्योंकि बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास थी हमारी प्रीवियस। और हमारे चैनल को लाइक करें, हमारी वीडियो को भी लाइक करें बेटा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें और हमारी वीडियो को मैक्सिमम से मैक्सिमम शेयर करें। तो आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है पैरामेट्रिक फॉर्म। क्या नाम है बेटा इसका? पैरामेट्रिक फॉर्म। इसको देखिए क्या इसमें कंसेप्ट है। डिफरेंशिएशन ऑफ ए फंक्शन बोलते हैं इसको इन पैरामेट्रिक फॉर्म। एक्सरसाइज है बेटा हमारी ये 5.6, ठीक है, और हम इसका क्वेश्चन नंबर 1 करने जा रहे हैं। इफ एक्स एंड वाई आर कनेक्टेड पैरामेट्रिकली बाय द इक्वेशंस गिवन इन एक्सरसाइज 1 to 10 विदाउट एलिमिनेटिंग द पैरामीटर, फाइंड डी वाई बाय डी एक्स। हमें बेटा सिर्फ यही लिखा आएगा एग्जाम में, फाइंड डी वाई बाई डी एक्स। इतनी डिटेल नहीं गिवन होगी, बट आपको एक हिंट देंगे, उस हिंट को आपने याद रखना है और कब पैरामेट्रिक फॉर्म लगाना है ये आपको बता रहे हैं। आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो हमारी वीडियो को एंड तक देखें, हमारी वीडियो को लाइक जरूर करें बेटा। और एक हमारा नया प्लेटफॉर्म बना है टेलीग्राम पर, उसको आप जरूर ज्वाइन कीजिए, ताकि एक नए तरीके से आपको उस पर भी डाउट आपके मिल सके, आपको क्लियर कर सके डाउट्स। तो हमें x गिवन है बच्चे, इसमें बताते हैं आपको इसका हिंट भी। x दे रखा बेटा 2at² और y दिया हुआ है a(t^4), ठीक है। अब ध्यान से देखिए, पिछले क्वेश्चन में एक तरफ y एक तरफ x होता था, हमने इम्प्लिसिट फॉर्म भी कर लिए जिसमें x और y मिक्स थे, बट इसमें क्या होगा, हमें एक्स वाई के साथ एक पैरामीटर जरूर दिया होगा। इस क्वेश्चन में पैरामीटर जो है वो हमारा है टी, तभी थीटा होगा। तो हमें उस पैरामीटर को विदाउट एलिमिनेटिंग, जैसे बोला गया है, हमें क्या करना है बेटा इसमें डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू निकालना। तो इसका आप मेथड सीखिए क्या होता है। सबसे पहले आपको स्टेटमेंट एक बार लिखवा देते हैं, इसमें डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स। डेरिवेटिव तो बेटा हम एक्स की रिस्पेक्ट में ही करेंगे, ठीक है। तो देखिए, एक्स का डेरिवेटिव करेंगे डीएक्स बाय डीटी। 2a को सेम रख देते हैं, ठीक है बेटा, 2a को सेम रखते हैं। और एक मिनट रुकिए जरा, a थोड़ा इसमें मिसप्रिंट सा हो गया है, मतलब आपको बताते हैं, ठीक है ना, इसको भी पहले हटाते हैं। डिफरेंशिएट जो बेटा हम करेंगे वो हम t की रिस्पेक्ट में करेंगे। मैं गलत बोल गया आपको, लिखा तो हम देखते तो सही जा रहे थे, बट बोला आपको मैंने गलत। डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू t करेंगे बेटा, इसमें हम t की रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे। 2a को सेम रख रहे हैं, t² का डेरिवेटिव बेटा 2t हो जाएगा, तो ये बन जाएगा हमारे पास 4a t। नेक्स्ट y का करेंगे t की रिस्पेक्ट में डी वाई बाय डी टी, ए को रख दो सेम, t^4 का 4t³, तो ये बन जाएगा 4a t³, ठीक है बच्चे। अब आपको पता है कि हमें वैल्यू किसकी निकालनी होती है, डी वाई बाय डी एक्स की। तो हम एक फॉर्मूला बनाने जा रहे हैं, डी वाई बाय डी टी होल अपॉन डीएक्स बाय डी टी। तो देखो बेटा, वैल्यू पुट कर देंगे, क्या आ जाएगा हमारे पास 4a t³। ये वैल्यू लगा दी हमने डी वाई बाय डी टी की, अपॉन क्या है बच्चे, ये 4a t। तो 4a से 4a कट जाएगा, t हमारा 1 कट हो जाएगा, तो ये हमारे पास सिर्फ t² आ जाएगा डी वाई बाय डी एक्स की वैल्यू की फॉर्म में, ठीक है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसको आज हमने अभी कंप्लीट कर लिया है। तो अगला हम करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 3, ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म वाला आपको करवा रहे हैं।
ये भी अच्छा क्वेश्चन है। अभी हम थीटा वाला भी करवाएंगे बेटा आपको। एक एक्स दिया हुआ है इसमें साइन टी, और वाई दिया हुआ है बेटा कॉस 2t। ठीक है, तो सेम रूल है, टी की रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर दीजिए। एक्स का आ जाएगा बेटा डी एक्स बाय डी टी, साइन टी का क्या बन जाएगा बेटा कॉस टी, वाई का कर दीजिए डी वाई बाय डी टी कॉस 2t का माइनस साइन 2t, 2t का अगेन करेंगे बेटा 2 आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो अब हम इससे निकालने जा रहे हैं डी वाई बाय डी एक्स की वैल्यू। फॉर्मूला जो प्रीवियस क्वेश्चन में लगाया है वही लगा देते हैं यहां पर, डी वाई बाय डी टी अपॉन डी एक्स बाय डी टी। तो वैल्यू लगाइए, डी वाई बाय डी टी है हमारे पास माइनस 2 इंटू साइन 2t अपॉन कॉस टी। माइनस 2 को देखिए सेम रखेंगे, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला लगा दो, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, डिनोमिनेटर में हमारे पास कॉस टी है तो कॉस टी से कॉस टी को कट कर दीजिए, ये बन जाएगा माइनस 4 साइन टी। तो ये हमारा आंसर है बेटा। और हमने दो बहुत अच्छी क्वेश्चन अपने कंप्लीट कर लिए हैं, और इसके बाद हम बेटा आ रहे हैं अपने क्वेश्चन नंबर 6 पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर बेटा 6 पर आ रहे हैं, और 6 क्वेश्चन भी अच्छा है, ध्यान से इसको समझ लीजिए आप क्या इसमें करना है हमें। नेक्स्ट पेज पर आते हैं। नेक्स्ट में बेटा हमें गिवन है थीटा की टर्म में, इसमें जो हम डेरिवेटिव करेंगे ना बेटा वो थीटा की रिस्पेक्ट में करेंगे, ये आप ध्यान रखिएगा। तो क्वेश्चन नंबर है बेटा 6, एक्स दिया हुआ है हमें ए इंटू थीटा माइनस साइन थीटा, वाई दिया हुआ बेटा ए इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है, तो इससे करते हैं डी एक्स बाय डी थीटा, और यहां एक स्टेटमेंट लिखवा देते हैं बेटा आपको, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू थीटा। इस बार बेटा हम थीटा के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे। ठीक है, तो देखिए ए को हम सेम रखेंगे, थीटा का डेरिवेटिव 1, साइन थीटा का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा बेटा कॉस थीटा। तो क्या किया हमने, ए को हमने सेम रख दिया है, थीटा का डेरिवेटिव थीटा की रिस्पेक्ट में 1 कर दिया, साइन थीटा का बच्चे हमने क्या कर दिया है कॉस थीटा। सिमिलरली हम वाई का करने जा रहे हैं, वाई का डेरिवेटिव डी वाई बाय डी थीटा, ए को सेम रखिए, 1 का डेरिवेटिव 0, कॉस थीटा का क्या बन जाएगा बच्चे माइनस साइन थीटा। तो ये माइनस ए साइन थीटा हमारा डेरिवेटिव बन गया है इसका। तो हम निकालेंगे इसके बाद डी वाई बाय डी एक्स। फॉर्मूला अभी आपको बताया है वही अप्लाई करेंगे, बट इस बार थीटा की टर्म में लगेगा, डी वाई बाय डी थीटा अपॉन डी एक्स बाय डी थीटा। ठीक है, तो वाई लगाओ ऊपर माइनस ए साइन थीटा अपॉन कितना हो जाएगा ए इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, तो देखिए ए से एक कट जाएगा, माइनस ए को आप सेम रख दीजिए, माइनस साइन थीटा को मतलब। ठीक है ना, तो साइन थीटा को देखिए हम सेम रख रहे हैं, और अपॉन क्या आ जाएगा बच्चे 1 माइनस कॉस थीटा। इसमें ना बेटा हम एंगल हाफ फॉर्मा लगा देंगे। ठीक है, 1 माइनस कॉस थीटा का लगा दो 2 साइन स्क्वेयर थीटा बाय 2, और साइन थीटा का लगा दो
टू साइन थीटा बाय टू इंटू कॉस थीटा बाय टू। तो देखिए टू से टू कट जाएगा, साइन से एक साइन कट जाएगा, माइनस सेम रहेगा, कॉस थीटा बाय टू अपॉन साइन थीटा बाय टू क्या बन जाएगा बेटा, कॉट थीटा बाय टू। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ गया है। और ये क्वेश्चन बेटा इंपॉर्टेंट है, ये आपको 2 मार्क्स या 3 मार्क्स में एग्जाम में पूछ सकते हैं। हालांकि ये मेथड भी इंपॉर्टेंट है, कई बार ये मेथड एग्जाम में पूछा जाता है, तो आप अच्छे से इसकी प्रैक्टिस कर लीजिए। अब हम आ रहे हैं बेटा अपने अगले क्वेश्चन पर, जो है क्वेश्चन नंबर 8। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 भी, इसको ध्यान से देखिए कैसे करते हैं हम। तो क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, इसमें बेटा हमें x दिया हुआ है, देखिए x दिया हुआ है हमें, x इक्वल टू ए इंटू कॉस टी प्लस लॉग टेन टी बाय टू, ब्रैकेट को कर देते हैं क्लोज, कॉमा y इक्वल टू ए साइन टी। ठीक है, ये दिया हुआ है हमें। अब इसमें भी बेटा हम t के रिस्पेक्ट में ही डेरिवेटिव करेंगे, स्टेटमेंट लिख देते हैं इसमें, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू क्या हो जाएगा बेटा, t। हम इसमें t के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करने जा रहे हैं, तो देखिए x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा बेटा, डी एक्स बाय डी टी। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से इसको सीखिएगा, दोबारा भी देखनी पड़े तो वीडियो जरूर देखो बेटा, इसको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर रहे हैं। तो हमने सबसे पहले a को सेम रख दिया है और cos t का डेरिवेटिव कर रहे हैं बेटा, ये हो जाएगा माइनस साइन t। नेक्स्ट नेक्स्ट थोड़ा ध्यान से करना है क्योंकि इसमें चेन रूल है, log tan t बाय टू यानी log x का रूल लगाएंगे, लॉग एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है बेटा, 1 बाय एक्स, यानी 1 बाय टेन टी बाय टू। टेन टी बाय टू का कर दोगे तो ये बन जाएगा सेकेंड स्क्वायर टी बाय टू, और टी बाय टू का करोगे तो क्या बन जाएगा बेटा, 1 बाय टू। तो देखिए साइन टी सेम रहेगा माइनस के साथ, 1 बाय टेन थीटा को हम कॉट थीटा लिख देते हैं पहले, देखिए फिर इसको साइन कॉस में लाके सॉल्व करेंगे अगले स्टेप में, ये सेम रहेगा, 1 बाय टू भी हमारा सेम है। ए को सेम रखिए, कॉस वाला जो था वो माइनस साइन बन गया था, सेम आ रहा है, तो देखिए कॉट थीटा को हम चेंज कर लेंगे, कॉस थीटा बाय साइन थीटा। वन बाय और अगला जो सेकेंड स्क्वेयर थीटा है इसको हम चेंज कर लेंगे 1 बाय कॉस स्क्वेयर थीटा में, और 1 बाय टू हमारा बेटा सेम है। अब इससे क्या होगा, एक कॉस जो है ना बेटा ये वाला हमारा, इस कॉस स्क्वेयर से कट जाएगा, एक टर्म कट होगी, बाकी अभी चल रही है हमारे पास। तो माइनस साइन टी को हम सेम रखेंगे, प्लस 1 अपॉन 2 sin t/2 सेम रहेगा इंटू cos t/2। ठीक है बेटा, तो ये ना हमारा फॉर्मूला बन गया है, देखिए माइनस जो है हमारा साइन टी वो सेम रखते हैं, प्लस 2 sin थीटा cos थीटा, ये क्या बन जाएगा बेटा, sin 2 थीटा। तो साइन 2 इंटू t/2 ये क्या बन जाएगा बच्चे हमारा, t। अब इसके बाद हम इसका एलसीएम ले लेंगे बेटा, a को सेम रखिए, साइन t इसमें एलसीएम ले लेंगे, और ये क्या बन जाएगा, माइनस साइन स्क्वेयर t। और ये 1 बन जाएगा सेम,
ठीक है, तो ये आ जाएगा ए इंटू वन माइनस साइन स्क्वेयर थीटा बेटा क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वेयर थीटा और अपॉन साइन थीटा। ठीक है, तो अब सेकंड पार्ट इसका कंप्लीट कर लेते हैं बेटा, वाई का डेरिवेटिव कर देते हैं हम डी वाई बाय डी टी, ए को सेम रख देते हैं, साइन डी का क्या हो जाएगा बच्चे कॉस टी, साइन डी का देखिए हमने कॉस टी कर दिया है। अब इसके बाद हम डी वाई बाय डी एक्स निकालने जा रहे हैं बेटा, डी वाई बाय डी एक्स, तो डी वाई बाय डी एक्स में क्या होगा, वाई की टर्म ऊपर आ जाएगी, देखिए ये वाली ए कॉस टी अपॉन डी एक्स बाय डी टी, जो लास्ट स्टेप था हमारे लेफ्ट साइड का, इसको बेटा हम रेसिप्रोकल कर देते हैं सीधा ऊपर आ जाएगा, तो ये बन जाएगा साइन टी, ये मल्टीप्लाई का साइन है, साइन टी बन गया अपॉन ए कॉस स्क्वेयर टी, देखिए ए से ए कट जाएगा, कॉस टी से ए कॉस टी कट जाएगा, तो साइन थीटा बाय कॉस थीटा, एक बार इसको लिख देते हैं, तो बेटा साइन थीटा बाय कॉस थीटा आपको पता है क्या बन जाएगा हमारे पास, टेन थीटा, ठीक है बेटा, तो ये टेन टी हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट था जो हमने अभी कंप्लीट किया है, इसको आप दोबारा जरूर देखिएगा बेटा, क्योंकि ये क्वेश्चन एक बार में आपको थोड़ा दिक्कत करेगा समझने में या लिख के प्रैक्टिस करने में, तो इसको एक दोबारा लिख के प्रैक्टिस कीजिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आने का चांस है बेटा इसका, ठीक है। तो अब हम आ रहे हैं अपने अगले क्वेश्चन पर, तो अगले पेज पर आते हैं बेटा, अगला है बेटा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10, नाइन्थ सबसे इजीएस्ट क्वेश्चन है बेटा, तो नाइन्थ को आप खुद ट्राई कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 पर आते हैं, एक्स इक्वल टू ए इंटू कॉस थीटा प्लस थीटा साइन थीटा, कॉमा वाई इक्वल टू ए साइन थीटा माइनस थीटा कॉस थीटा। ठीक है, तो करते हैं बेटा इसको, लिख देंगे डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू टी, सॉरी डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू थीटा होगा इस बार, वो आप लिख देना, तो डीएक्स बाय डी थीटा हमारा सेम रहेगा, ए को सेम रखिए और कॉस थीटा का डेरिवेटिव कर दो बेटा, कितना हो जाएगा ये माइनस साइन थीटा। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट टू लगाएंगे बेटा, कॉस थीटा का हमने कर दिया है माइनस साइन थीटा, और इसमें प्रोडक्ट टू लगाएंगे, थीटा को सेम रख दो, साइन थीटा का डेरिवेटिव कर दो बेटा, कितना हो जाएगा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा को सेम रख दो और थीटा का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा बेटा वन। ठीक है, तो अब इसमें से बेटा हम कटिंग करने जा रहे हैं, ये साइन थीटा से साइन थीटा कट हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा हमारे पास ए थीटा कॉस थीटा, ये हमने इसका पहला पार्ट तो बेटा कंप्लीट कर लिया। ठीक है, अगला जो पार्ट है वो आपको बताते हैं, डी वाई बाय डी थीटा, थोड़ा ध्यान से करिएगा बेटा, माइनस है माइनस को कॉमन लेके करना, नहीं तो मिस्टेक होने का चांस बन जाता है। ए को हम सेम रखेंगे बेटा, साइन थीटा का डेरिवेटिव कॉस थीटा और इसमें प्रोडक्ट टू लगा देंगे, थीटा को सेम रख देंगे, ठीक है, कॉस थीटा का करेंगे बेटा माइनस साइन थीटा और प्लस कॉस थीटा को सेम रखेंगे, थीटा का डेरिवेटिव वन। ठीक है, तो ए एज इट इज, कॉस थीटा हमारा सेम, माइनस माइनस इंटू माइनस देखो प्लस हो जाएगा बेटा, थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, तो कॉस थीटा से देखो बेटा कॉस थीटा कट भी हो जाएगा, तो ये आ गया हमारे पास
ए, पहले ए आ जाएगा इनटू थीटा, यहां भी इनटू लगा देते हैं, और क्या है बेटा साइन थीटा। अब हमें इसमें निकालना है डी वाई बाय डी एक्स। तो देखिए डी वाई बाय डी एक्स निकालने जा रहे हैं। सबसे पहले फॉर्मूला लगा देते हैं बच्चे इसमें, डी वाई बाय डी थीटा अपॉन डी एक्स बाय डी थीटा। तो वाई की टर्म को ऊपर रखेंगे, ए थीटा साइन थीटा अपॉन ए थीटा कॉस थीटा। ठीक है बेटा, इससे क्या होगा, ए से ए कट हो जाएगा, थीटा से थीटा कट हो जाएगा, साइन थीटा बाय कॉस थीटा बच्चे हमारा टेन थीटा आ जाएगा। इसी के साथ ये हमारा आंसर कंप्लीट हो गया है। इसके आगे हम आंसर लिख देते हैं एक बार, और इसी में बेटा मैं आपको थोड़ा एडवांस सिखा देता हूं कि अगर हमें सेकंड रेडियन निकालने को पूछा जाए तो क्या करना होता है। अगली एक्सरसाइज में हमारा सेकंड रेडियन का कंसेप्ट आएगा, वो भी आपको सिखाएंगे। ये क्वेश्चन बेटा मिसेलेनियस में दोबारा से आएगा, तो मैं सोच रहा हूं इसको आपको मिसेलेनियस में ही करवाऊं। ठीक है ना, इस क्वेश्चन को आप मिसेलेनियस में सीखना एक बार, सेकंड रेडियो की फॉर्म। फर्स्ट रेडियो की फॉर्म तो बेटा हमने कर ही ली है, आप सेकंड रेडियो की फॉर्म उसमें जरूर सीखना मेरे से। तो अगला क्वेश्चन आ रहा है बेटा, इंपॉर्टेंट है हमारा अगला क्वेश्चन भी, ये क्वेश्चन नंबर 11 है इसका, एक्सरसाइज 5.6 में। देखिए एक्स दिया हुआ है हमें अंडर रूट ए रेस टू द पावर साइन इनवर्स टी कॉमा वाई इक्वल टू अंडर रूट ए रेस टू पावर कॉस इनवर्स टी। और इसमें ना बेटा हमें प्रूव करना है कि डी वाई बाय डी एक्स इक्वल टू क्या लाना बेटा इसमें, माइनस वाई बाय एक्स। ये हमें बेटा प्रूव करना है इसके अंदर। इसमें कुछ फॉर्मूले यूज होंगे और साथ में चेन रूल यूज होगा, तो उसको ध्यान से सीख लीजिएगा। एक तो बेटा इसमें ना मैं आपको लिख देता हूं कि डेरिवेटिव ऑफ ए रेस्ट टू पावर एक्स यूज होगा इसमें, कि इसका डेरिवेटिव क्या होता है ए रेस्ट टू पावर एक्स, क्या होता है ये ए रेस्ट टू पावर एक्स इंटू लॉग ए, और ए किसमें यूज होगा बेटा, डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स एक्स। लिखवा रखे हैं आपको, लेकिन एक बार इस क्वेश्चन के लिए बता देते हैं, नहीं तो आपको थोड़ा डिफिकल्टी आ सकती है, ना बताएंगे तो आप थोड़ा प्रॉब्लम में आ सकते हो। देखिए ये दो फॉर्मूले बेटा हमें इसमें यूज करने हैं, क्वेश्चन अच्छा है, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से सीख लीजिएगा। तो हम करने जा रहे हैं टी की रिस्पेक्ट में एक्स का डेरिवेटिव। देखिए बेटा डी एक्स बाय डी टी हो गया है, रूट एक्स का आपको बता रखा है 1/2 रूट एक्स। ये देखिए हमने डेरिवेटिव कर दिया है इसका, और ए रेस्ट टू पावर एक्स का डेरिवेटिव कर दो बेटा, ए रेस्ट टू पावर एक्स का कितना होता है, ए ए रेस्ट टू पावर एक्स इंटू लॉग ए। ठीक है, ये हो गया ए रेस्ट टू पावर एक्स इंटू लॉग ए हो गया, और अब हम करेंगे साइन इनवर्स टी का 1/√(1 − x²)। ठीक है, दोबारा से देखो एक बार बता देते हैं आपको। सबसे पहले हमने क्या किया है, रूट एक्स का डेरिवेटिव कर दिया बेटा 1/√(x), फिर चेन रूल से अगेन किया ए रेस्ट टू पावर साइन इनवर्स टी का, जिसको हमने एक्स एज्यूम किया था। ठीक है, क्या होता है ए रेस्ट टू पावर एक्स इंटू लॉग ए, और लास्ट कर दिया हमने साइन इनवर्स एक्स का 1/√(1 − x²)। ठीक है, इसको थोड़ा सिंपलीफाई कर लेते हैं बेटा, 1/2 इसमें सेम रहेगा, और ये दो टर्म है ना, ये दो टर्म्स ये ना आपस में कट हो जाएंगी, जैसे आपने 2/√(2) को कभी कट किया होगा,
रैशनलाइज करने के बाद, जैसे हम रूट टू से इसको मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं तो ये 2√2/2 होगा, 2 से 2 कट जाएगा, ये हमारा रूट टू आ जाता है। इसी तरह से बेटा इसका रूट भी, दोनों टर्म सेम है देखो, इसका रूट भी बेटा ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, ये आ जाएगा ए रेज़ टू पावर साइन इनवर्स टी इंटू लॉग ए, देखो लॉग ए हमारा सेम आ जाएगा और ये हमारा बिल्कुल सेम है अंडर रूट ऑफ 1 − t2। ठीक है बच्चे, तो ये हमने निकाल दिया है dx by dt। ठीक है, अब हम ऐसे ही बिल्कुल y का डेरिवेटिव करने वाले हैं dy/dt की फॉर्म में, सेम है देखो रूट एक्स है 1/2√x आ जाएगा, अगेन करेंगे ए रेस टू पावर एक्स का, क्या हो जाएगा बेटा ए रेस टू पावर एक्स इंटू लॉग ए, अगेन करेंगे कॉस इनवर्स टी का −1/√1 − t2। ठीक है, तो देखो बेटा 1/2 तो हमारा इसमें सेम आ जाएगा और प्रीवियस वाली टाइप की तरह से ये आपस में कट जाएंगे बेटा। ठीक है, तो इसका रूट ना ऊपर शिफ्ट कर देते हैं, अभी जैसे मैंने आपको रैशनलाइज वाला पार्ट समझाया है, देखिए ये इंटू लॉग ए सेम आ जाएगा और अपॉन में √1 − t2, एक माइनस रह गया है वो हम सबसे पहले लगा लेते हैं। ठीक है, तो ये निकाल दिया बच्चे हमने dy/dt, अब फाइनली क्या चाहिए हमें dy/dx। ठीक है ना, फॉर्मूला आपको पता है, दोबारा से नहीं लिखवा रहे हैं, आप सीधा वैल्यू रखिए यहां पर dy/dt की लगा रहे हैं बेटा पहले वैल्यू, ये देखो ये वैल्यू जो जस्ट ऊपर लिखी हुई है ये हमारी dy/dt की ही वैल्यू है, इंटू लॉग ए भी था इसमें और अपॉन में √1 − t2 और इसके अपॉन में वैल्यू आएगी हमारे पास dx/dt की, तो इसको बेटा हम रेसिप्रोकल कर देते हैं सीधा, देखिए 2 ऊपर आ जाएगा, देखो इस यहां से पुट कर रहे हैं बेटा इस स्टेप से, ये वाले स्टेप से 2 ऊपर आ जाएगा बेटा, √1 − t2 भी आ जाएगा इसमें और ये रेसिप्रोकल हो जाएगा बच्चे ए रेस्ट टू पावर साइन इनवर्स टी इंटू लॉग ए, तो लॉग ए से हमारा ये लॉग ए देखिए कट हो जाएगा, 2 से 2 भी कट हो जाएगा बच्चे, ये भी कट हो जाएगा, सिर्फ हमारे पास दो टर्म्स रह गई हैं माइनस के साथ, अंडर रूट ऑफ ए कॉस इनवर्स टी अपॉन अंडर रूट ऑफ ए कॉस इनवर्स कितना है बेटा साइन इनवर्स टी, माइनस को सेम रख दीजिए बेटा और ध्यान से देखिए जो हमारी ये टर्म है अंडर रूट ऑफ ए रेस टू पावर कॉस इनवर्स टी, ये हमारी बेटा वाई की वैल्यू, ध्यान से देखिए है ना हमारे y की वैल्यू, इसको बेटा हम y लिख देते हैं यहां पर और जो डिनोमिनेटर है बेटा वो x की वैल्यू, तो हमारा dy/dx क्या आ जाएगा बेटा −y/x और यही हमें इसमें बेटा प्रूव करना है। ठीक है, तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज जिसका नाम है पैरामेट्रिक फॉर्म, टॉपिक का नाम है बेटा पैरामेट्रिक फॉर्म, आज की इस क्लास में हमने कंप्लीट कर ली है, होपफुली ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगेगी, बहुत ही इंटरेस्टिंग था आज की क्लास और इसके रिमेनिंग क्वेश्चन बेटा आपने होमवर्क से करने हैं और कुछ दो तीन एग्जांपल्स हैं इसके, वो भी आप जरूर प्रैक्टिस कीजिएगा, जितना आपको सिखा रहे हैं बेटा आप प्रैक्टिस करते जाइए, कोई भी डाउट हो बेटा तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, आपके डाउट भी क्लियर किए जाएंगे और हमारी वीडियो को बेटा लाइक करना मत भूलिएगा, क्योंकि लाइक करने से ही बेटा हमारा मोटिवेशन आता है
और हमें और एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने के लिए कॉन्फिडेंस आएगा बेटा। हमारी वीडियो को लाइक करिए बेटा, चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारी वीडियो को मैक्सिमम शेयर कीजिए, ठीक है। और हमारा एक टेलीग्राम का चैनल स्टार्ट हो गया बेटा, उसको आप जरूर आप ज्वाइन करिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा चैनल। और इसी के साथ ये एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट है। अगली जो एक्सरसाइज है बेटा 5.7, इसका नाम है सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव या हायर ऑर्डर डेरिवेटिव। नेक्स्ट क्लास में आपको करवाएंगे, तो नेक्स्ट क्लास आप बिल्कुल मिस मत करिए। तब तक के लिए जुड़े रहें हमारे साथ, आज तक के लिए इतना ही बेटा, आगे करेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय।